कोरोना की सबसे बड़ी मार कलाकारों पर पड़ी है, क्योंकि प्रदेश में होने वाले मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। अगर किसी जिला में आयोजित किए भी जा रहे हैं तो उसका स्वरूप बड़ा नहीं है, जिसके चलते कलाकारों को आजीविका चलाना अब बेहद मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कलाकारों के लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला भाषा अधिकारी ममता वर्मा ने दीप प्रज्वलित करके किया। जिला सोलन के कलाकारों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। इस कार्यक्रम में कलाकारों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थापों पर उपस्थित दर्शकों को खूब मनोरंजन भी किया। जिला भाषा अधिकारी ममता वर्मा ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि उनके विभाग द्वारा वाद्य वादन और लोक गीत पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हिमाचल की समृद्ध परंपराओं और वाद्य यंत्रों के अस्तित्व को संजोना है, जिसमें विभाग समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है। उन्होंने कहा कि अब कुछ कलाकार ही पारंपरिक वाद्य यंत्रों में निपुण हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के चलते भी काफी समय से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अब इस तरह की गतिविधियां भविष्य में आयोजित की जाएंगी। इसमें जो है हमने दो तरह के कार्यक्रम आयोजित करे हैं एक ही दिन में। तो एक तो वाद्य वादन जो हम प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं, और एक हमारा संगीत का है जिसमें विभिन्न जिले से आए संगीतकार हैं जो लोक संगीत प्रदर्शित करेंगे अपना। इसमें बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो हमारे छूट जाते हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है। इसी के तहत जो है हमने प्रत्येक कलाकार को मौका देने के लिए जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया है संगीत का। वाद्य वादन तो हमारा प्रतिवर्ष होता ही है। अब बीच में कोविड की स्थिति के कारण हमने जो है मैक्सिमम प्रोग्राम ऑनलाइन करवाए, पर जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार हमें ओपन किया गया कि आप ओपनली कार्यक्रम कर सकते हैं, तो जैसे हमें मौका मिलता है हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस वर्ष हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो जितने भी छोटे कलाकार हैं जो जिनको मौका नहीं मिलता है, इंडिविजुअल है, मतलब जो सांस्कृतिक दलों के साथ नहीं काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल है, उनके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ताकि मतलब अपना प्रतिभा को प्रदर्शित कर सके और उनकी प्रतिभा उभर सके। तो हम आने वाले समय में भी इस तरह के कार्यक्रम ज़रूर आयोजित करेंगे।